ग्राम पंचायत बिछीनारा के आश्रित ग्राम तिलईपाली में पुल टूटने से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। कारण यह है कि बरसात के समय में यह पुल लगातार मिट्टी के कटाव से आज गिर चुका है। 200-300 बच्चे रोज इस रास्ते से आना जाना करते हैं, तो हमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रोज जाते हैं तो साइकिल को उधर छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक 2 किलोमीटर साइकिल को यहाँ छोड़ के पैदल चल के आना पड़ता है। फिर यहाँ से स्कूल जाते हैं, हम लोग को बहुत कठिन पड़ता है, स्कूल जाने में भी बहुत समस्या है। अभी इस रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है? इस रास्ते में अभी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ी लड़खड़ा जाता है पार करते समय, बहुत मुश्किल में पार कर पाते हैं। 2007-08 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 किलोमीटर का एक रोड बनाया गया था और तिलईपाली से 1 किलोमीटर पूर्व खसरी झरखा नाला में यह पुल का निर्माण किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। और इस भ्रष्टाचार के कारण आज 1 वर्ष पूर्व लगातार उससे पानी जाने की वजह से वह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे ग्राम पंचायत तिलईपाली और आसपास के 3 से 4 गांव के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ये हमारा यही मार्गदर्शन है, कहीं भी जाना पड़ता है तो हमें इसी रास्ते से जाना पड़ता है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो इसी रास्ते से हम लोग आना जाना करते हैं। इस समस्या को देखते हुए ग्राम तिलईपाली के लोगों ने इस विषय पर कई बार सरपंच को आवेदन दिया और इसके लिए उनसे राय मांगी, लेकिन किसी प्रकार का मदद न मिलने से गांव के लोगों ने ही लकड़ी का पुल बनाकर आज उससे आवागमन कर रहे हैं। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्तमान जनपद पंचायत CEO श्री CL सिदार को 9675000 पर फ़ोन करें और उन्हें इस समस्या से अवगत कराएं। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।